बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े की आने वाली फिल्म लव यू शंकर की शूटिंग आजकल वाराणसी में चल रही है। पिछले एक हफ्ते से फिल्म लव यू शंकर की टीम वाराणसी के अलग अलग लोकेशन पर शूट कर रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ गई जब एक गाने की शूटिंग के दौरान वाराणसी के स्थानीय लोगों ने क्रू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण पुलिस को फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। दरअसल वाराणसी के 80 घाट पर फिल्म का एक गाना शूट हो रहा था, जिसमें एक धार्मिक गाने पर डांस किया जा रहा था। तभी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद PHU के छात्र भी मौके पर आकर हंगामा करने लगे। जल्दबाजी में पुलिस को बीच में आकर शूटिंग रोकनी पड़ी। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि फिल्म लव यू शंकर गाना फिल्माया जा रहा था, उस गाने का शीर्षक ओम जय जगदीश था, लेकिन इस धार्मिक गाने पर मंच पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां अश्लील डांस कर रही थीं, जो कि काशी समेत इस पवित्र 80 घाट का भी अपमान है, जिसके कारण उन्होंने विरोध किया। मैं रामेश मिश्रा, मैं जागृति फाउंडेशन का महासचिव हूँ। आज 80 घाट पे लव यू शंकर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के नाम पर वहाँ एक गाना फिल्माया जा रहा था, ओम जय जगदीश हरे। इस धार्मिक गाने के आड़ में इतना फूहड़ डांस हो रहा था, लड़के लड़कियां अश्लील डांस कर रहे थे। पीछे भगवान शंकर का फोटो था, तमाम देवी देवताओं का फोटो लगा हुआ था। बहुत ही फूहड़ डांस हो रहा था। काशी में इस तरह की संस्कृति सभ्यता नहीं चलेगी। हम उन लोग को चेताना चाहते हैं कि काशी में जो धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसमें इस तरह की फूहड़ता नहीं होगी। हमने ADM City से बात की। ADM City ने SP City को भेज के तत्काल इस पर कुछ शर्तों के साथ शूटिंग चालू रखा। उनका कहना था SP City का कि आप शूटिंग करिए, लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़का के नहीं, देवी देवताओं का फोटो हटाइए और शालीनता से शूटिंग करिए। हमारे धार्मिक गीतों पे इस तरह की फूहड़ता कतई बर्दाश्त नहीं है। एक काशी नगरी है जहाँ धर्म संस्कृति का ज्ञान हो, लोग लेने आते हैं, सीखने आते हैं, उस नगरी में इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। और हम लोग उन लोगों को चेताना चाहते हैं कि जो धर्म के नाम पर फूहड़ता दिखाते हैं, कि वो सुधर जाएं, नहीं तो फिर उनके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। जय जय भारत। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, UP तक।